ये मारुति की ओमनी गाड़ी है, तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रहा है ये अपना माल फंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, जो ये लाइट नहीं लग रही। तो मैंने इसके फ्यूज़ वगैरह पूरे चेक कर दिए, यहाँ पे फ्यूज़ है इसके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ है, तो ये फ्यूज़ वगैरह सब ओके है, और ये रिले का कनेक्शन भी एकदम ओके है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, ये रिले में एक वायर में करंट नहीं आ रहा, जो मेन आर्थिंग से मैंने लगा दिए बैटरी से कनेक्शन, ये आप देख सकते हैं। जैसे अपन इधर टच करते हैं तो ये माल फंक्शन लाइट शो करती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और ये जैसे ये आप देख सकते हैं ये ऐसे लगा दिए मैं, ये निकाल देने के बाद ये बंद हो जाती है, अरे लगाते चालू होती। तो ये जो वायर है, ये वायर का मैं आपको प्रॉपर आज कनेक्शन बताऊंगा कि इसका वायर का कनेक्शन कहां पर है, और ये जो वायर है मैंने बैटरी से लगाया, आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से लिया है मैंने। तो इसका जो प्रॉब्लम है, तो ये रिले विले सब ओके है अपना कनेक्शन, तो अभी मैं आपको ये वायर का कनेक्शन बताऊंगा कहां पर आता है। मैंने खोल दिए, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये सिंगल वायर है जो ये यहाँ पे आई है, और ये यहाँ से यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं ये रस्ट होने की वजह से करंट सप्लाई नहीं हो रहा, और ये मैं यहाँ पे करंट चेक कर रहा तो इसमें करंट आ रहा है, और ये जो है अपना ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये वायर है, तो इसमें करंट आ रहा है ओके, ये यहाँ पे अपना जो रस्ट पकड़ा है इसकी वजह से ये करंट आगे सप्लाई नहीं कर रहा। तो मैं अभी इसको क्लीन कर आपको बताऊँगा। तो इसका जो है इसका स्प्रे आता है, और स्प्रे वायरिंग का स्प्रे आता है, अभी मेरे पास वायरिंग का स्प्रे नहीं है, इसके लिए इसे मैं पेट्रोल से क्लीन करूँगा। तो फ्रेंड ये मैंने क्लीन कर दिए, आप देख सकते हैं, तो अभी मैं आपको लगा कर बताऊँगा। मोबाइल धरन का धरन, तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो कि इसमें रश था इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट कर बताऊंगा। असेंबल कर दिए आप देख सकते हैं, और ये अपना इग्निशन भी आ रहा है, जो माल फंक्शन लाइट नहीं आ रहा था, तो वो तो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि वायरिंग में प्रॉब्लम था, जो कि बार पकड़ने के लिए मतलब ये सॉकेट में था, जो रस्ट पकड़ने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अगर आप ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रस्ट इस तरीके से आता है, तो अगर अपन बैटरी का पानी टाइम पर चेक नहीं करें, या इसमें पानी कम हो गया या पानी ज़्यादा हो गया तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, या पानी अपन सादा पानी डाल दिए तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसके वजह से वो वायरिंग में प्रॉब्लम आ गए, तो मैंने उसको क्लीन करके ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर दिए। तो मैं आपको अभी गाड़ी स्टार्ट कर बताऊँगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, गाड़ी स्टार्ट हो गई,